सीएम सिटी करनाल में चोरों का कहर लगातार जारी है। चोर लगातार शहर के मंदिरों और दुकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। करनाल पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम रही। ताज़ा मामला करनाल की अशोका कॉलोनी में आया। चोरों ने अशोका कॉलोनी में स्थित सनातन धर्म मंदिर के दान पात्र को अपना निशाना बना लिया और उसे लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस अभी एक मामले की जांच कर रही थी कि मंदिर के 100 मीटर पर ही शहर की मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर धवन की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया और क्लिनिक के ताले को तोड़कर हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। यहाँ पर हमने आज सुबह मंदिर खोला तो देखा गेट टूटा हुआ था, ताले टूटे हुए थे। अंदर आकर देखा दीवान कपड़े सब निकले हुए थे, खिड़कियाँ सब खुली हुई थी। अपना गल्ला हमारे यहाँ मंदिर का खा के ले गए भगवान जी का। और अब तो देखो जनाली कॉलोनी भी 3-4 दिन पहले हुई है चोरी, और हमें वो पुलिस वाले तार थे, मॉलटाउन भी हुई है, 6 सेक्टर मंदिर में भी किसी में चोरी हुई है। तो अब ये भगवान को भी घर को नहीं बख्श रहे चोर, तो क्या हो। यहाँ से भी हमारा मेन तो गल्ला ले गए जिसके अंदर हमारी मंथली निकलती है, हर महीने खोलते हैं। और मंथली कभी कम भी होती है, कभी ज़्यादा भी होती है। अब क्या जाने उसके अंदर कितनी होगी। चोरी की सूचना आई थी और जाँच कर रहे हैं, पर्चा दर्ज कर दिया गया। कहाँ कहाँ चोरी हुई है। ये अपना हॉस्पिटल के सामने होम्योपैथिक वाली दुकान में। और कैमरे ले लिए, कैमरे की जांच पड़ताल चल रही है, फसल मौके पर आ गई। कोई मंदिर में चोरी हुई साथ में। मंदिर वाली तो आई नहीं तस्वीर। जल्दी गिरफ्तार होगी चोरों के। हाँ बिल्कुल, CCTV कैमरे की जांच पड़ताल करके जो भी सामने आएगा उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। करनाल से आजाद टीवी न्यूज़ के लिए विजय कंबोज की रिपोर्ट।